आज हम देखने वाले हैं एरर डिटेक्शन एंड एरर रिकवरी इन कंपाइलर डिजाइन। तो गाइस, कंपाइलर डिजाइन में ऑलरेडी फेजेस ऑफ कंपाइलर कैसे काम करते हैं हम देख चुके हैं। अब पूरे कंपाइलर के जो फेजेस होते हैं उसमें एरर एग्जैक्टली कैसे डिटेक्ट होता है और वो रिकवर कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। आपको पता होगा, कोई भी कोड अगर आप लिख के रन करते हो, बेसिकली कंपाइलर उसको कंपाइल करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग सी, जावा, डॉट नेट किसी में भी कोई कोडिंग करते हैं और जैसे भी आप उसको रन करते हो, वो तुरंत अगर कोड में कोई एरर है ना, आपको वो एरर दिखाता है, राइट, कि 5 एरर्स है, 4 एरर्स है, लाइन नंबर 3 में एरर है, लाइन नंबर 42 में एरर है, जो भी है। तो वो एरर जो है वो कैसे दिखा रहा है, कैसे डिटेक्ट कर रहा है और अल्टीमेटली डिटेक्ट करने के बाद उसको रिकवर कैसे कर रहा है, उसकी इंटरनल प्रोसेस क्या होती है, वो आज हम समझने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एरर हैंडलर। वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर, किस किस तरह के एरर होते हैं और एरर रिकवरी कैसे होता है लेक्सिकल एरर्स में, सिंटैक्टिकल फेज एरर में और सिमेंटिक एरर्स में। ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एरर हैंडलर। तो एरर हैंडलर जो हम बोल रहे हैं कि एक प्रोटोकॉल होता है, राइट, व्हाट इज एरर हैंडलर। तो इट इज़ बेसिकली कनेक्टेड टू ऑल द फेजेस ऑफ कंपाइलर। तो गाइज, जब मैंने आपको फेजेस ऑफ कंपाइलर समझाया था, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले आप जाके वो देख लेना, बिकॉज फेजेस ऑफ कंपाइलर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। तो फेजेस ऑफ कंपाइलर जब मैंने आप लोगों को बताया था, तब आई हैव टोल्ड यू कि सारे कंपाइलर के फेजेस के साथ दो कंपोनेंट्स जो है वो जुड़े रहते हैं, एक है एरर हैंडलर और दूसरा है सिंबल टेबल, ठीक है। तो ये जो एरर हैंडलर है ये बेसिकली क्या करता है, इट्स टास्क इज टू डिटेक्ट ईच एरर, रिपोर्ट इट टू यूजर एंड देन मेक सम रिकवरी स्ट्रेटजी एंड इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटजीज टू हैंडल द एरर। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है कि सबसे पहले वो एरर को डिटेक्ट करेगा, एक बार उसको पता चल गया कि वहाँ पे एरर है तो फिर उस एरर को रिपोर्ट करेगा यूज़र को, यूज़र को बताएगा कि भाई इस लाइन में इस जगह पे एरर है और अल्टीमेटली वो स्ट्रेटजीज बनाएगा उन एरर्स को रिकवर करने के लिए। तो ये तीन मेन फंक्शंस है एरर हैंडलर के, एरर डिटेक्शन, एरर रिपोर्टिंग एंड देन एरर रिकवरी। अब कौन कौन से तरह के एरर्स आते हैं, ठीक है, हमें जो भी एरर्स हमें मिलते हैं वो एरर्स को हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं कौन से टाइप में। पहला हो गया लेक्सिकल, लेक्सिकल एरर। तो क्या होता है लेक्सिकल एरर, इट डिटेक्ट्स एरर व्हेन द सीक्वेंस ऑफ एनी इनपुट डजंट मैच एनी टोकन पैटर्न, फाइन। लेक्सिकल एरर इंक्लूड्स बैडली फॉर्म्ड और टू लॉन्ग न्यूमेरिक लिटरल्स लाइक परी 1 2 3, देयर इज टू लॉन्ग आइडेंटिफायर्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो एग्जाम्पल, स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर। तो देखो, कभी भी अगर ऐसा कोई भी सीक्वेंस है जो आपने बनाया है बट वो किसी पर्टिकुलर टोकन को मैच नहीं कर रहा या वो बैडली फॉर्म है, मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इस तरीके से स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर, आप ये सबका छोटा छोटा करके लिख सकते हो, लाइक इंजीनियरिंग को आप ENGG लिख सकते हो, सेमेस्टर को आप SCM लिख सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो नाम है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जो कि यूज़र फ्रेंडली ना हो, आप जो आप आगे जाके यूज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इतना बड़ा आइडेंटिफायर का नाम आप नहीं दे सकते। अगर आपने किसी आइडेंटिफायर में मिसस्पेल कर दिया है ऑपरेटर, कीवर्ड्स एक्सेट्रा, जैसे इस तरीके से printf के जगह पे आपने PRINF पहले लिख दिया, T बाद में लिखा, तो वो अगेन गलत कीवर्ड हो जाएगा। तो इस तरीके की कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो वो कंपाइलर दिखाएगा और उस वो किस कैटेगरी में आएगा, ऑल दीज एरर्स विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है। सेकेंड, किस तरह के एरर है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लेक्सिकल एरर। फिर हमारे पास है सिंटैक्टिकल एरर और सिमेंटिकल एरर। सिंटैक्टिकल एरर क्या है, दे आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग सिंटेक्स फेज एनालिसिस इफ समथिंग इज मिसिंग, लाइक मिसिंग पैरेंथिसिस, अनबैलेंस पैरेंथिसिस, मिसिंग सेमीकॉलन, मिसिंग ऑपरेटर, कॉलन, कॉमा इन प्लेस ऑफ सेमीकॉलन एक्सेट्रा, ठीक है। तो सिंटैक्टिकल नाम से क्या पता चल रहा है कि अगर सिंटेक्स में कोई एरर है, आपके कोड के सिंटेक्स में कोई एरर है, तो सिंटेक्स फेज एनालिसिस में वो डिटेक्ट हो जाएगा। जैसे आपने कहीं पे कॉमा मिस कर दिया, सेमीकॉलन मिक्स कर दिया, आपने फॉर एग्जांपल 3 ब्रैकेट खोले बट बंद करते टाइम आप 2 को ही बंद कर रहे हो, तीसरे को आप बंद करना भूल गए, इस तरीके से P+Q R, तो Q और R के बीच में शायद यहाँ पे कोई ऑपरेटर होना चाहिए था, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, प्लस, कुछ भी, बट वो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या है, मिसिंग ऑपरेटर। तो इस तरीके के कोई भी अगर सिंटेक्स एरर है आपके कोड में तो उसको हम बोल सकते हैं सिंटैक्टिकल एरर, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सिमेंटिकल एरर। सो व्हाट आर सिमेंटिकल एरर्स, दे आर डिटेक्टेड ड्यूरिंग सिमेंटिक एनालिसिस फेज। Such errors can occur due to wrong matching of operators with operands, assigning incompatible value to the variable, undeclared variable, etc. अगर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया, आप उसको यूज़ करने का ट्राई कर रहे हो, या कोई मिसमैच है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किया है 2 प्लस
टू प्लस फाइव प्लस डी फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको वहाँ पे एरर देगा कि टू और फाइव तो इंटीजर है बट डी कैरेक्टर है, तो उसको इसके साथ प्लस नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग मैचिंग ऑफ ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इस तरीके के अगर एरर्स है तो वो हमारा किसके अंदर आएगा, सिमेंटिकल एरर। देन एट द एंड वी आर हैविंग वॉट, लॉजिकल एरर। एनी एरर दैट इज नॉट स्पेसिफिक इनफ टू बी इंक्लूडेड इन द अबव थ्री कैटेगरीज एंड दैट इंक्लूड्स लॉजिकल इश्यूज और प्रॉब्लम इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। फॉर एग्जाम्पल, कोड नॉट रीचेबल, कोड इटरेटिंग इन्फाइनेटली, इन्फाइनाइट लूप एक्सेट्रा। तो लॉजिकल एरर क्या है, सिंपल से लैंग्वेज में ये समझ लो कि अगर जो लेक्सिकल के अंदर आएगा वो तो लेक्सिकल एरर हो जाएगा, जो जो सिंटेक्स फेज में आएगा वो सिंटैक्टिकल हो जाएगा, जो सिमेंटिक फेज में आएगा वो सिमेंटिकल हो जाएगा। और अगर कोई एरर ऐसा है जिसको हम इन तीन कैटेगरीज में नहीं डाल पा रहे, उसको हम बोल सकते हैं लॉजिकल एरर, जिसमें कोई लॉजिकल प्रॉब्लम इन्वॉल्व हो, जैसे कि कोड इनफाइनाइट लूप में चला गया, घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है, या कोई पीस ऑफ कोड आपने ऐसे लिखा है जो रन करते टाइम एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है, तो वो क्या हो गया, नॉन रीचेबल कोड। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आप बोल सकते हो लॉजिकल एरर। फाइन, नाउ एरर्स कौन कौन से आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, वो तो हमने देख लिया। अब अगर कोई एरर आएगी तो उसको कंपाइलर रिकवर कैसे करेगा, हाउ टू रिकवर द एरर्स ऑफ लेक्सिकल फेज, ठीक है। तो एरर रिकवरी फॉर लेक्सिकल फेज किसको बोलते हैं, उसको बेसिकली हम बोलेंगे पैनिक मोड रिकवरी। तो आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो एरर रिकवरी फॉर लेक्सिकल एरर्स भी पूछ सकते हैं, या फिर एक्सप्लेन पैनिक मोड रिकवरी फॉर लेक्सिकल एरर्स, ऐसा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किस किस तरह के प्रॉब्लम को हम रिकवर करेंगे और किस तरीके से, तो फर्स्ट देखिए, अननोन कैरेक्टर्स आर डिलीटेड, फॉर एग्जाम्पल एंट आई इज एंट आई सी। तो काफ़ी बार क्या होता है, क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी में टाइप करते हैं कभी कभी, ठीक है, तो टाइपो हो जाता है, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है कि फॉर एग्जांपल आप फटाफट टाइप कर रहे हो और कोई भी लेटर या कोई भी की आपके हाथ से दो बार दब गया है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको इंटीजर डिफाइन करना था आई को, तो आई एन और टी गलती से आपके हाथ से दो बार दब गया है, ठीक है। तो आपने कोड में फॉर एग्जांपल लिखा है आई एन टी टी आई, बट अगर वो कोड में ऐसा कुछ देखेगा तो कंपाइलर खुद समझ जाएगा कि यहाँ पे उसको आई डिफाइन करना था इंटीजर टाइप का, बट टी दो बार आ गया है, तो ये अननोन कैरेक्टर्स जो डुप्लीकेट कैरेक्टर है उसको वो ऑटोमेटिकली रिमूव कर देगा ये पैनिक मोड रिकवरी में, और उसको वो इंट आई कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एरर रिकवर हो जाएगी। सेकंड, अगर कोई मिसिंग कैरेक्टर्स है और वो बहुत ही सिंपल है, अगर कंपाइलर को समझ में आ गया तो वो क्या करेगा, जो भी आपसे मिस हुआ है ऑटोमेटिकली वो ऐड कर देगा। जैसे डब्ल्यू आई एल ई आई इज लेस देन 10, तो यहाँ से ब्रैकेट में जिस तरीके से कंडीशन लिखा है आई इज लेस देन 10, ये वाली चीज़ को देख के कंपाइलर को ऑलमोस्ट समझ में आ ही जाएगा कि यहाँ पे वाइल कंडीशन वो डालने का ट्राई कर रहे थे बट एच मिस हो गया। तो वो क्या करेगा एरर रिकवरी में, वो खुद अपने हिसाब से यहाँ पे एच इंसर्ट कर देगा और वो लिख देगा वाइल आई इज लेस देन 10। तो इस तरीके से अगर कोई कैरेक्टर मिस हो गया है जो ईजिली पता चल रहा है, उसको अगेन इंसर्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज अगेन एरर रिकवरी। देन ट्रांसपोज द कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ एंड प्रिंट एफ, ठीक है। ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है कि काफ़ी बार हम टाइप करने जाते हैं तो अगेन फास्ट टाइप करने जाते हैं तो ये वाले मिस्टेक ज़्यादा होते हैं कि कोई कैरेक्टर आगे पीछे हो गए, जैसे डी ओ ई एस डज आप लिखने वाले थे डी ई ओ एस हो जाता है, ऐसे मिस्टेक्स काफ़ी बार होते हैं, राइट। जैसे आप प्रिंट एफ लिखने जा रहे थे बट एफ पहले आ गया टी बाद में चला गया, तो ये देख के किसी को भी पता चलेगा ये क्या है, प्रिंट एफ लिखने का ट्राई कर रहे थे, ठीक है। तो अगर ये एफ पहले टी बाद में ऐसी चीज़ें हो जाती है तो कंपाइलर खुद ही उसको अरेंज कर देगा और प्रिंट एफ लिख देगा। सो दिस इज अगेन एरर रिकवरी बाई ट्रांसपोजिंग द कैरेक्टर्स और रीअरेंजिंग द कैरेक्टर्स, ठीक है। रिप्लेस द कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल अब लिखते लिखते कभी हो सकता है बाकी पूरा स्पेलिंग आपने सही लिखा बट एक कैरेक्टर कोई और दब गया, कोई और मतलब फॉर एग्जाम्पल आप जो भी लिखने जाते हो ना उसके बाजू वाला दब जाता है, जैसे वाइल, वाइल क्या होता है डब्ल्यू एच आई एल ई। अब अगर आप कीबोर्ड में देखो तो ई के बिल्कुल बाजू में आता है आर, तो आप हो सकता है बिना देखे ई दबाने गए थे और ई के बाजू में आर दब गया। तो अगेन ये चीज़ें भी कॉमनली होती है बट कंपाइलर ये खुद समझ जाएगा कि ये वाइल का सेंटेक्स है तो आर के जगह पे वो ई कर देगा और उसको वाइल लिख देगा। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द एरर रिकवरी स्ट्रेटेजीज। ये सब किसके लिए था, एरर रिकवरी लेक्सिकल एरर्स के लिए थे। अब देखते हैं एरर रिकवरी सिंटैक्टिकल फेज एरर्स के लिए कैसे होता है। ये बहुत सिंपल है, सिंटैक्टिकल एरर्स किसको बोलते हैं कि पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स मिस हुए हो गए हो, सेमीकॉलन मिस हो गए हो एक्सेट्रा। तो पैनिक मोड रिकवरी में क्या करते हैं, कंपाइलर उसको समझने का ट्राई करता है और जो भी मिस हो गया हो उसको वो ऑटोमेटिकली अपने से इंसर्ट कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा वाइल आई इज लेस देन 10 आई प्लस प्लस, तो ये सब कुछ सही है बट क्या दिख रहा है, ये कंडीशन वाला जो आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया था आई इज लेस देन 10 के बाद, 10 के बाद उसको बंद होना चाहिए था बट वो बंद नहीं हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली 10 के बाद उसको बंद कर दोगे। फाइन,
तो दिस इज पैनिक मोड रिकवरी फॉर सिंटैक्टिक फेज एरर। पैनिक मोड रिकवरी के अलावा हमारे पास होता है स्टेटमेंट मोड रिकवरी और फ्रेज लेवल रिकवरी। उसमें क्या होता है, राइट आफ्टर डिस्कवरिंग एनी एरर रिकवरी इज डन बाय करेक्टिंग रिमेनिंग इनपुट सच दैट द रिमेनिंग इनपुट स्टेटमेंट अलाउज द पार्सर टू मूव फर्दर। ठीक है, इट इंक्लूड्स रिमूविंग एक्स्ट्रा सेमीकोलन एक्सेट्रा। तो ये दोनों एरर रिकवरी स्ट्रेटजीज है फॉर सिंटैक्टिकल फेज एरर। देन वी आर हैविंग एरर प्रोडक्शंस एंड ग्लोबल करेक्शन। ये आप लोग यहाँ से एक बार रीड कर लीजिए, मैंने ओपन करके रखा है, बट मोस्टली हमने इसके पहले जो दो पढ़े और उसमें भी मेनली पैनिक मोड रिकवरी जो है वो ज़्यादातर यूज होते हैं, ठीक है, सिंटैक्टिक फेज एरर्स को ठीक करने में। बट हाँ, क्योंकि ये बाकी एरर्स की भी पॉसिबिलिटी है, बाकी रिकवरीज की भी, तो यू शुड एटलीस्ट बी नोइंग देम। देन द लास्ट वन इज एरर रिकवरी फॉर सिमेंटिक एरर्स यूजिंग सिम्बॉल टेबल। तो सिमेंटिक एरर अगर कोई भी है तो उसको कैसे रिकवर करेंगे, मोस्टली वी आर रिकवरिंग इट यूजिंग सिम्बॉल टेबल। कैसे, तो इन सिमेंटिक फेज द एरर्स आर बीइंग रिकवर्ड बाय यूजिंग सिम्बॉल टेबल। इफ डेटा टाइप्स ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इनकम्पेटिबल कंपाइलर परफॉर्म्स ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्शन। ठीक है, तो सिंपली हमने क्या देखा था, सिमेंटिक एरर्स में किस तरह के एरर सबसे ज्यादा आते हैं, कि मिसमैच ऑफ ऑपरेटर्स। जैसे हमने लिखा वन प्लस बी, अब वन इंटीजर है, बी कैरेक्टर है, तो वो दोनों ऐड हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ हो, सिम्बॉल टेबल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि एरर रिकवरी करने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्ट्रिंग हमने लिया है, स्ट्रिंग फर्स्ट डेटा इक्वल टू टू, इंटीजर सेकंड डेटा इक्वल टू फाइव, और इंटीजर थर्ड डेटा इक्वल टू फर्स्ट डेटा प्लस सेकंड डेटा। थर्ड डेटा नाम का हमने एक इंटीजर लिया है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट डेटा और सेकंड डेटा को ऐड करने का ट्राई कर रहे हैं। अब थर्ड डेटा हमारा इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सेकंड डेटा भी मेरा इंटीजर है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके साथ मुझे ऐड करना है फर्स्ट डेटा, और ये फर्स्ट डेटा जो है वो हमने शायद गलती से स्ट्रिंग डाल दिया है, राइट? बट अगर स्ट्रिंग डाल दिया है तो वो ऐड तो होगा नहीं, करेक्ट? तो इधर सिमेंटिकली करेक्ट पार्स ट्री हमको बनाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट डेटा जो स्ट्रिंग है उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड डेटा तो ऑलरेडी इंटीजर में है तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और दोनों को फिर इंटीजर इंटीजर करने के बाद हम उसको आपस में ऐड कर सकते हैं, और जो वैल्यू होगा वो थर्ड डेटा में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इस तरीके से इनकम्पेटिबल ऑपरेंड्स हो तो हम क्या करेंगे, टाइप कन्वर्शन करेंगे, दोनों में से जिसको भी जरूरत है उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, और फिर हमारा जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो उसमें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन डू एरर रिकवरी फॉर सिमेंटिक एरर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने मेन मेन जो भी चीज़ें थी एरर डिटेक्शन एंड रिकवरी की वो हमने देख ली है, एरर हैंडलर क्या होता है, उसके फंक्शंस, टाइप्स ऑफ एरर, और सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर को हम एरर रिकवरी कैसे करेंगे उनके कंपाइलर के हेल्प से। सो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन।